Now, as we have seen that weight operation on S, S per semaphore per jab bhi hum weight operation lagayenge, to S ke starting mein value hoga 1, but as soon as we go inside this particular operation, ye condition hamare dwara false keh di jati hai, aur fir hum S ko 1 se decrement kar denge, that is S is equal to 0, so that no other process can enter in this particular सेक्शन, कोई और प्रोसेस एंटर नहीं हो पाएगी. हमने क्या बताया था, हमने ये कहा था कि हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कहाँ पर लिखा गया है, वेट और सिग्नल के बीच में. ठीक है, तो वेन एवर आई एम सेइंग दैट वेट जब मैं एंटर हुई तो एस इज इक्वल टू 1 और वेट ऑपरेशन ये करता है कि एस को 1 से डिक्रीमेंट कर देता है, मीन्स एस इज इक्वल टू 0, means I alone can enter into the critical section, no other process can enter into its critical section at that particular time. Now, what is done by signal operation? Signal operation does nothing, signal operation just increment S by 1. Signal par bahar jaate waqt hame kuch bhi check karne ki zarurat nahi hai, means wait mein jab hum enter ho rahe the, so we are checking that no other process will enter into the इट्स क्रिटिकल सेक्शन. वेट जब हमें करना है तो हम ये कहते हैं कि जब मैं वेट कर रही हूँ या मैं क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन कर रही हूँ तो नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन. बट व्हेन आई एम एग्जिटिंग द क्रिटिकल सेक्शन, जब मैं सिग्नल को दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो जस्ट यू हैव टू इंक्रीमेंट एस बाय 1, नथिंग एल्स. यहाँ पर आप और कुछ भी नहीं करेंगे. अब उस पेज को देख लेते हैं जहाँ पर ये दोनों ऑपरेशंस लिखे हुए. नाउ यू कैन इमेजिन दैट हियर इट्स रिटन दैट राइट ऑन फाइल स्टूडेंट. ओके, दिस मीन्स यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं और सीमाफोर को कर रहे हैं 0, और जब हम बाहर जा रहे हैं तो सीमाफोर को कर रहे हैं 1. दैट मीन्स व्हेन यू आर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन यू आर ब्लॉकिंग ऑल अदर प्रोसेसेस बाय सेइंग एस इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन यू आर एग्जिटिंग द क्रिटिकल सेक्शन आप एस को अगेन 1 कर रहे हैं और आप दूसरों को चांस दे रहे हैं कि वो आकर अपना कोड एग्जीक्यूट कर सके. तो यहाँ पर दो बातें होती है, एक तो पहला म्यूटेक्स या म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ऑब्वियसली जब आप अंदर हैं तो बाकी किसी को आने नहीं देंगे. अगर हम अपने दोनों एग्जाम्पल से समझें, एदर डॉक्टर पेशेंट एग्जाम्पल और टोल काउंटर एग्जाम्पल, दोनों में म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, मीन्स एट अ टाइम अगर मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो कोई और अंदर आकर एग्जीक्यूशन अपना नहीं कर सकता है. सेकेंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ने कहा था कि प्रोग्रेस मीन्स आप दूसरे प्रोसेसेस को चांस देंगे. आई एम डूइंग द सेम थिंग व्हेन आई एम एंटरिंग माय क्रिटिकल सेक्शन एंड व्हेन आई एम एग्जिटिंग माय क्रिटिकल सेक्शन. आई एम सेइंग दैट सिग्नल इज इक्वल टू सिग्नल प्लस 1, मीन्स मैं सिग्नल को प्लस 1 कहकर जा रही हूँ, मीन्स मैं दूसरों को चांस दे रही हूँ कि वो आकर अपना एग्जीक्यूशन कर सके. ओके, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तो सेटिस्फाइड होती हैं, बट जो बाउंडेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी, बाउंडेड वेटिंग क्या कहता है, आप किसी भी तरह से ये ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि क्या मैं ही वो पर्सन हूँ जो बार बार अंदर जा रही हूँ और बाहर आ रही हूँ, क्या मैं P2, P3 और P4 को भी इक्वल चांस दे रही हूँ क्या एग्जीक्यूशन का. नहीं, यहाँ पर हम किसी भी तरह से इस तरह की चेकिंग नहीं कर सकते कि एदर आई एम ब्लॉकिंग द अदर प्रोसेस एंड कंटिन्यूइंग माई एग्जीक्यूशन. बाउंडेड वेटिंग यहाँ पर चेक नहीं हो रहा है किसी भी मीन्स से. सिर्फ दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड सेकंड इज प्रोग्रेस. और हमने लास्ट में कहा था इन लास्ट लेक्चर दैट दिस आर द प्राइमरी क्राइटेरिया. अदर जो बाउंडेड वेटिंग और हार्डवेयर है वो सेकेंडरी क्राइटेरिया है, दिस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन या सीमाफोर का मेथड बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, इजी मेथड है. यू हैव यूज्ड इट मैनी अ टाइम्स. जब आप लिखते हैं ना कि फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू एंड फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, आपने बहुत बार C++ की प्रोग्रामिंग में लिखा होगा. तो जब आप फ्लैग को ट्रू या फॉल्स कह रहे हैं, मीन्स यू आर सेइंग 0 और 1,
तो जब आप फ्लैग को ट्रू फॉल्स कह रहे हैं या जीरो और वन कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप किस तरह का एक एंट्रेंस लगा रहे हैं यूजिंग द सीमा फोर्स के द्वारा आप एंट्रेंस लगा रहे हैं। और इन दोनों पे हम ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं, सिर्फ वेट और सिग्नल। ओके, नाउ जब हम सीमा फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमने जो सीमा फोर को एग्जैक्टली समझा है वो कहलाता है बाइनरी सीमा फोर। सीमा फोर आर ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी सीमा फोर एंड काउंटिंग सीमा फोर। काउंटिंग सीमा फोर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हमने बाइनरी सीमा फोर पे कंसंट्रेट करा है जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यू है, जीरो और वन। ओके, अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू रिवाइज इट वंस मोर। हमने क्या देखा आज, हमारे पास एक सेक्शन था क्रिटिकल सेक्शन। हम ये चाहते हैं कि P1 जब अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो उस दौरान P2 या P3 अपने क्रिटिकल सेक्शन में ना जाए। आप इस तरह को इस तरह से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लैंडलाइन है और वो लैंडलाइन पैरेलल है, मीन्स सबके रूम में है, मीन्स इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स। बट मैं चाहती हूँ कि जब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ तो बाकी दोनों प्रोसेस यूज़ ना करें। तो ऑब्वियसली इसका जो डायल टोन है वो एक डायल टोन आपको कहेगा कि आप वेट करिए या आप डायल करिए। ओके, ये जो डायल टोन है ये आपको कहेगा कि इट इज योर चांस, यू कैन डायल द नंबर, बट बाकी लोगों को जो